स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एम टेक हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नोटपैड की एक ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप किसी भी फाइल, फोल्डर, वीडियो, ऑडियो या फिर फोटो को हाइड कर सकते हैं और उन फाइल्स को आप लॉक भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आप उनको नोटपैड की हेल्प से ही बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप एक न्यू नोटपैड क्रिएट कर लीजिए, आप उसे ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको एक कोड को पेस्ट करना है जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए इस कोड को, आपको किसी भी कोड को छेड़ना नहीं है। यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही पासवर्ड को ऐड करके रखा हुआ है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर पासवर्ड को सेट किया हुआ है। आप यहाँ पर पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, तो इस बात का आपको खास ध्यान देना है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक स्टेप को अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ये पासवर्ड ऐसे ही रहने दूंगा, अगर आप चेंज करना चाहते तो आप कर लीजिए। उसके बाद आपको ऊपर फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेव हैज ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको इस फाइल को सेव कर देना है। सो यहाँ से मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ फोल्डर लॉक। और उसके बाद दोस्तों आपको खास ध्यान देना है यहाँ पर .bat, खास ध्यान देना है आपको यही लिखना है एक्सटेंशन में .bat। और उसके बाद नीचे आपको ऑल फाइल्स पर क्लिक कर देना है और इसे डेस्कटॉप पर सेव कर देना है। सेव करते ही आपके डेस्कटॉप पर एक फाइल बन जाएगी, ये रही वो फाइल, देख सकते हैं आप। अब क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा, ये रहा वो फोल्डर, आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉकर लिखा हुआ है। और इस फोल्डर को ओपन करते ही आपके सामने ये ब्लैंक फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ फाइलों को पेस्ट करने वाला हूँ, सो पहले से ही मैंने इन फाइलों को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो चलिए मैं इन फाइलों को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये तीनों फाइल यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। ओके, यहाँ से मैं उसे क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद आपको इस फोल्डर लॉक को डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस फाइल को लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यस और नो दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यस करना है यानी वाई लिखना है, वाई टाइप कीजिए, उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही एंटर दबाएंगे ये फोल्डर गायब हो जाएगा यानी हाइड हो जाएगा और साथ ही साथ ये फोल्डर लॉक भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर से वो फोल्डर गायब हो चुका है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये फोल्डर हाइड हो चुका है, ये किसी भी फाइल को आप अनहाइड करेंगे तो यहाँ पर वो फोल्डर दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। चलिए वो भी प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ से मैं कोई भी फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ ऑर्गेनाइजर पर, यहाँ पर मैं फोल्डर पर जाता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू पर जाके आप सो अनहाइड पर क्लिक कर दीजिए। सो यहाँ पर मैं सारे टिक मार्क को अनमार्क कर देता हूँ और उसके बाद अप्लाई कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो हाइड फोल्डर थे वो दिख रहे हैं, पर हमने जो फोल्डर बनाया है वो यहाँ पर दिख नहीं रहा, यानी कि ये पूरी तरीके से हाइड हो चुका है और लॉक भी हो चुका है। अब इनको वापस कैसे ले आया जाए, तो सिंपल है, इस फोल्डर पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे के सामने वही पॉपअप वापिस से आ जाएगा और इस बार आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। कौन सा पासवर्ड, जो हमने 1 से लेकर 9 तक डाला हुआ है। तो चलिए यहाँ पर वो मैं डाल देता हूँ और उसके बाद आपको एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर बूम, आपका लॉकर वापस आ जाएगा और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो भी फाइलें हमने पेस्ट की थी वो सारी की सारी फाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये ट्रिक आप अपने कंप्यूटर या फिर पेन ड्राइव में या फिर आप किसी भी अदर कंप्यूटर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इन फोल्डर का लॉक आप अगर भूल जाते हैं तो आप इसे रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, इस फोल्डर वाले आइकन पर आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे यहां पर क्लिक करेंगे ये फाइल खुल जाएगी और यहां से आप अपने पासवर्ड को देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये ट्रिक पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और चैनल पर न्यू आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।